हे फ्रेंड्स, तो आपके पास जो अगर वीवो V29e है जो कि एक न्यूअर स्मार्टफोन निकला था, इस फोन में आप 8GB रैम आपके पास होगा तो आप उसे 16GB में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक्सटेंडेड रैम को कैसे ऑन कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं अहमद कुमार और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल लेके सपोर्ट चैनल पर। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको फोन पे लेकर जाके लाइव प्रूफ बताता हूँ कि कैसे आपको 8GB रैम है तो आप उसे 16GB रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, और एक सेटिंग्स आपको कर। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। नीचे जाता हूँ फोन डिस्प्ले पे, आपको सेटिंग्स वाला एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, तो सेटिंग्स वाला एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लीजिएगा। सेटिंग्स वाला एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको शो होने लगा, तो क्योंकि बहुत सारे इंटरफेस आपको दिख रहा है तो क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके आने होगी। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, रैम स्टोरेज स्पेस करके एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो रैम स्टोरेज स्पेस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, फर्स्ट में आपको रैम दिख रहा होगा तो रैम पे आपको देख लीजिए, रैम पे आपको क्लिक कर देने की। रैम पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको शो होने लग गया। तो क्या करना, आपको देख पा रहे हो तो 4.6GB यूज़ है मेरा, और यहाँ पे आपको 8GB रैम करना है तो क्या करना है, एक्सटेंडेड रैम का एक ऑप्शन आपको दिख रहा हो तो एक्सटेंडेड रैम पे आपको क्लिक कर दीजिए। इसको आपको इनेबल करनी है, इनेबल करने के बाद आपको देख लीजिए यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद आपको रीस्टार्ट नाउ का एक ऑप्शन आपको शो होने लगा, तो रीस्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक कर दीजिए। रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको शो होने लगा, तो यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा आपको, तो रीस्टार्ट होने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा फोन है वो स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे क्या करना है, चलिए मैं आपको लाइव भी दिखाता हूँ कि जो कि मेरा जो 8GB से 16GB हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक कीजिएगा, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करके आने, नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद वही वाला ऑप्शन पर आपको देखना होगा रैम स्टोरेज स्पेस, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए रैम आपको क्लिक करना है, रैम पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 8GB प्लस 8GB आपको स्टोरेज देख सकते हैं, 8GB प्लस 8GB इन टोटल आपको, यानी कि टोटल 18GB हो गया, और इसे काम बंद करना चाहते तो इसे आपको डिसेबल कर देनी होगी। तो इस तरह से करके आप अपने वीवो V29e में आप फोन स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हैं, कि बढ़ा सकते हो। तो वीडियोज आपको कैसे लगी मुझे कमेंट जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट टॉपिक लेकर अपने यूट्यूब चैनल लेके ये सपोर्ट पर।